हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सो इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज मिलने वाली है, वो ये कि यूजीसी ने स्टेटमेंट दी है नवभारत टाइम्स को कि हर साल पीएचडी एडमिशन में 10% का इजाफा हो रहा है। सो इंक्रीज इन पीएचडी एडमिशन बाय 10% एवरी ईयर इन ऑल सब्जेक्ट्स, ये स्टेटमेंट इशू की है यूजीसी ने। और इसके लिए आप ये भी सोच सकते हो कि पीएचडी डिग्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले टाइम्स के अंदर, अगर 10% ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है रिसर्च बैंक के अंदर। जगदीश मामेदाला जी ने यह भी बोला है, क्योंकि पीएचडी इन एक्सीलेंस का अवार्ड दिया जाएगा यूजीसी की तरफ से सोशल साइंसेस के अंदर, साइंस सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग के अंदर, एग्रीकल्चर, लैंग्वेजेस के अंदर, इसकी वजह से भी पीएचडी की इनरोलमेंट्स के अंदर इंक्रीज होने वाला है। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि इस बारी से जो नेट एग्जाम है उसके अंदर भी एक थर्ड कैटेगरी जुड़ चुकी है, वो है नेट फॉर पीएचडी। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूज आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि पीएचडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से जल्दी आप नेट करने की कोशिश करिए, जेआरएफ क्रैक करिए, नहीं तो या फिर एक थर्ड कैटेगरी जो कि है डायरेक्ट पीएचडी की, आप उसके थ्रू पीएचडी के अंदर एडमिशन्स जरूर ले लें और सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने की कोशिश करें या फिर टॉप प्राइवेट की। तो बिफोर मूविंग अहेड एंड टेलिंग यू मोर अबाउट द पीएचडी डिग्री, ये है, आप देख सकते हो या आप न्यूज पढ़ भी सकते हो, नवभारत टाइम की ये न्यूज है। और इसके साथ जुड़े हुए और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ये बताया गया है कि ओवरऑल जो हमारे देश के अंदर रिसर्चेस होती हैं उसके अंदर जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साइंस सब्जेक्ट की है, साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है। 26% जो है वो इंजीनियरिंग से होती है और बाकी परसेंटेजेस आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स जो है उनके साथ लिंक करते हो। तो ओवरऑल जितनी भी परसेंटेज बच जाती है उसके अंदर लैंग्वेजेस, एजुकेशन, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और बाकी सोशल साइंसेस जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। और जो नंबर है, एज आई हैव टोल्ड यू, इज इंक्रीजिंग बाय 10% एवरी ईयर। तो अगर मैं एजुकेशन के स्टूडेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो एवरी ईयर 5% हमारा जो देश का रिसर्च बैंक है, बहुत बड़ा है, 5% उसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का ही है। बाकी सारे के सारे आप देख सकते हो, लैंग्वेज हो गया, एजुकेशन, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और बाकी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट के अंदर होता है। प्लस इसके अंदर जगदीश मामेदाला जी ने यह भी चीज बोली है कि साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर क्यों इतनी ज्यादा पीएचडी रिसर्चेस हो रही हैं, उसका रीजन ये है फॉरेन एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपको पता है, प्रोजेक्ट्स के अंदर कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही है प्लस नेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और आगे बढ़ने वाली है। ये तो आप जानते हो, बेशक सेमीकंडक्टर्स हो, है ना, या फिर बाकी डिजिटल बाकी इक्विपमेंट होती है, कितनी सारे कंपनीज जो है फॉरेन कंपनीज उनके ऑफिसेज यहाँ पे बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं। तो जगदीश मामेदाला जी की स्टेटमेंट है कि उसके वजह से भी जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और भी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक 10% हो रही थी, आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, स्कॉलरशिप मिल रही हैं, तो और भी ज्यादा नंबर इंक्रीज होने वाला है। एंड एनईपी 2020 स्पेसिफिकली फोकस कर रही है एनआरएफ के ऊपर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी आप जानते हो कि एनईपी 2020 ने एनआरएफ के बारे में भी बात किया गया है, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च के ऊपर फोकस करेगी, जिसका जो बजट है वो होगा 50,000 करोड़ का, ठीक है। तो एनआरएफ फाउंडेशन जो है वो भी बन रही है जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च के ऊपर ध्यान रखेगी कि देश के अंदर अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च हो। और आप ये भी जानते हो कि बेस्ट पीएचडी यानी कि बेस्ट क्वालिटी रिसर्च के लिए जो यूजीसी है उन्होंने शुरू किया है पीएचडी एक्सीलेंस अवार्ड। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे गाइड्स के अंदर ही पीएचडी करिए, कोशिश रहनी चाहिए
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी की या फिर टॉप, याद रखिए टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज टॉप के अंदर हैं आप उनको इजीली देख सकते हो। सबसे पहले तो आप देखिए नैक में मैक्सिमम ग्रेड एक्रेडिटेशन हो, उनकी रिकॉग्नाइज्ड हो और एक अच्छी वैल्यू हो। तो एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मैटर होता है क्वालिटी। तो किसी भी अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, अगर सेंट्रल या स्टेट में नहीं होता आपका एडमिशन, सो प्लीज चेक द बैकग्राउंड ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो बिकॉज आपके सीवी के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट्स। और याद रखिए नॉलेज इज पावर। तो इजी पीएचडी एडमिशंस के पीछे मत जाइएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि बस आप पीएचडी में एडमिशंस ले लें, तो देखिए ऐसा मत करिएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी से ही करिएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जॉब्स लेंगे तो आपके जब वाइवाज इंटरव्यूज होंगे तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस झलक जो झलकेगा वो तभी झलक पाएगा अगर आपकी नॉलेज पक्की है। अगर आपने नॉलेज अच्छी नहीं गेन की है, और कहाँ अच्छी नहीं गेन करोगे, जहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा। कॉम्प्रोमाइज कहाँ होता है, जो नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, राइट। सो एंश्योर दैट यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च और ऑन द क्वालिटी ऑफ योर पीएचडी, सो दैट लॉन्ग टर्म में जब आप जॉब्स के लिए अपियर होते हैं फॉर इंटरव्यूज, द कॉन्फिडेंस you know that should come out in your answers, and that will come out only when you have got good knowledge and which you have gathered from good professors and from good universities. So I hope is video se aapko pata chal gaya hai ki is time pe desh ki kya sthiti hai, phd admissions ki kya sthiti hai, aur aapko kitna zyada focus karna hai phd ke upar. Ek aur cheez jaate jaate bata deti hu ki aapke api ke andar hai na, jab aapko pata hai na, जब आप जॉब्स लेते हैं तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो दिया जाता है आपके पीएचडी को। कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 30 पॉइंट्स दिए जाते हैं और कई हैं जहां पे 30 और 40 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंश्योर करिए कि आप फोकस करिए पीएचडी के ऊपर। और साथ में मैं आपको ये भी बोलूंगी कि एक गलत हवा चली है कि रिसर्च पेपर्स नहीं लिखने हैं क्योंकि मामेदाला जी ने स्टेटमेंट दे दिया है कि इसके ऊपर आप फोकस मत करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके पास कम से कम 3 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए अगर आपने स्कोपस में पब्लिश करवाया है पेपर, तो इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ना, है ना। अगर आप नॉर्मल रिसर्च जर्नल्स के अंदर अगर आप पेपर भेज रहे हो तो उसके क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो रिसर्च पेपर्स लिखिए, क्योंकि जब आपका एपीआई बनेगा, याद रखिए एपीआई में रिसर्च पेपर इंक्लूड होंगे, स्कोपस वेब ऑफ साइंस इंडेक्स पेपर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो लो क्वालिटी रिसर्च पेपर्स के लिए आई है कि उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जब आप जाओगे जॉब्स के लिए, आपका एपीआई बनेगा और उसके अंदर अगर आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं जो अच्छे जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुए हैं, स्पेशली स्कोपस इंडेक्स के अंदर या वेब ऑफ साइंसेस के अंदर, तो वो आपका सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके एपीआई इंडेक्स को जो है वो स्ट्रेंथन करेगा, है ना। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन यूजफुल टू यू। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी अंडर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।